नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूँ यति आपके साथ। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। अगर बात करें पक्ष में बैठी एनडीए गठबंधन की, तो ऐसे में एनडीए की तरफ से तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो बिहार आ रहे हैं। बिहार में लगातार सभाएं की जा रही, अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बार पूरी तरीके से कह सकते हैं कि चुनावी तैयारियां की जो कमान है वो अपने हाथ में रखी, और ऐसे में लगातार तेजस्वी यादव इस बार के लोकसभा में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस बीच बता दें कि आज आरजेडी कार्यालय पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर एक समय में पारस गुट के साथ हुआ करते थे, जहां बता दें कि आज आरजेडी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, और इस दौरान महबूब अली कैसर, जो एक समय में पारस गुट के साथ हुआ करते थे, सांसद थे, और उसके बाद जब वहां उनकी दाल नहीं गली पारस गुट को, इस बार एक भी टिकट नहीं मिला, एक भी सीटें नहीं दी गई लोकसभा चुनाव में, तो उन्होंने चिराग पासवान की तरफ रुख किया, और जब वहां पर भी उनकी बात नहीं बनी तो आखिरकार उन्होंने एनडीए अलायंस को बड़ा झटका दिया है और अब आखिरकार महागठबंधन में शामिल हो गए। और ऐसे में तेजस्वी यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई पार्टी की और उनका खुले दिल से स्वागत भी किया। और इसके बाद जब पत्रकारों से बातचीत हुई, बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बारे में एक बड़ा बयान दे दिया। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के अगल बगल जो लोग बैठे रहते हैं उन्होंने उन्हें हाईजैक कर लिया। तो साफ तौर पर तेजस्वी यादव बीजेपी की बात कर रहे हैं, भले उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा है, और तेजस्वी यादव ने ये तक कह दिया है कि इस चीज़ का वो खुलासा बहुत ही जल्द करने वाले हैं, नीतीश कुमार को उनके अगल बगल वालों ने हाईजैक कर लिया है। वहीं तेजस्वी यादव ने चिंता भी जाहिर की है नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार की मुझे बहुत चिंता है, मैं उनका बहुत फिक्र करता हूँ, और उनके बारे में जिस तरीके से बातें हो रही हैं, उन्हें हाईजैक किया गया, इसका खुलासा मैं जल्दी करूंगा। वहीं पत्रकारों ने जब पूर्णिया को लेकर तेजस्वी यादव से बातें कही, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे तरफ से, यानी कि आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी हैं, हम उनके लिए चुनाव प्रचार करने जाते हैं और हम यहाँ पर किसी के बारे में तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहते। क्या कुछ कहते नजर आए तेजस्वी यादव, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आप तो एक ही मुद्दा लेके ये जो भी बातें हैं पूर्णिया को लेकर के, राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में है, हम अपना ना प्रत्याशी देंगे, यही होता है। जनता दल यूनाइटेड के लोग बीजेपी का उम्मीदवार टिकट तो नहीं देंगे उनके इस सीट का, है कि नहीं? तो हम तो अपना ही उम्मीदवार बनाएंगे। और पहली बात जहाँ तक रही है, इस पर हमको ज़्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। हम पूर्णिया जा रहे हैं, वहाँ जनता के बीच अपनी बात को रखी रहे, लेकिन ये गलत बात है जो भी लोग प्रचार करते हैं, इधर से उधर करते रहते, हमारे बारे में क्या क्या नहीं बोला गया था। कसम खाई गई थी 15 में कि तेजस्वी अगर चुनाव जीतेगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूछे आप, मेमोरी में आपके आया भी नहीं, तो पूछे क्यों? तो छोड़िए ना, कांग्रेस वहां नहीं जा रही है ना, कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता पूर्णिया नहीं। यार यार, कल ही ना राहुल गांधी जी अपील किए भीमा भारती जी का नाम लेकर, आप एक बात समझ लीजिए, तारीख अनवर गए नहीं, मेरे साथी ना कल तारीख अनवर गए थे, राहुल गांधी जी ने भेजा था। आपको एक बात समझना पड़ेगा, फर्स्ट फेज में सब लोग देश भर में घूम रहे, फर्स्ट फेज में बिहार में हम भी किए पूरा प्रचार चारों सीट पे, तो इसका मतलब क्या गठबंधन नहीं है? किनको किनको बुलाना चाहिए लिस्ट वा दे दीजिए, बुला देंगे। देखिए, कल भी हमने कहा था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए पूरी, हमारे जो है सम्मान हम करते थे, करते रहेंगे,
और उन्होंने जो भी कहा, हमने हाथ जोड़ करके कहा कि उनका जो भी कहना होगा हमारे लिए, हमारे परिवार के बारे में, वो आशीर्वाद और आशीर्वचन के रूप में हम देखते हैं। लेकिन मुद्दा ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में ये सब बातें करके किसी बिहार के लोगों को, देश के लोगों को फायदा तो है नहीं, इससे जनता को क्या लेना देना। तो पारिवारिक बात है, ये तो पर्सनल बात है। और हमने पहले भी कहा कि अब जो स्थिति जो हो गई है, कुछ चार पांच लोग हैं वहाँ जो उन लोगों ने हाईजैक हमारे चाचा को कर रखा है, जब वक्त आएगा, जब हम किताब लिखेंगे तो ये सारी बातें लिखेंगे हम उसमें। लेकिन ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कहा, 2020 के चुनाव में भी उन्होंने कहा था इस बात को। अब हमको लगता है कि हम तो बस उनकी चिंता ही कर सकते हैं कि जहाँ रहें स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, खुश रहें। लेकिन तेजस्वी जी, 2020 में आपने कड़ा जवाब दिया था उस समय, 2020 में उनको आपने कड़ा जवाब दिया था। अरे तो असेंबली की बात थी तो उसमें क्या हुआ, तो बस उनके साथ जब थे तो बेटे के रूप में हम खड़े थे ना। और बुजुर्ग होकर के अगर ऐसी बातें कोई बड़ा आदमी कह रहा तो हम छोटे लोगों की क्या औकात है। और संस्कृति में भी नहीं है कि हम इतने बड़े, हमारे पापा के मित्र रहे, पिता तुल्य है, हम क्या बोल सकते हैं। हालांकि वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोले, कुछ भी देखिए, हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई सब लोगों को घर से निकल करके वोट देना चाहिए, बदलाव के लिए वोट देना चाहिए और ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो आपके लिए काम करे, केवल बकवास ना करे, झूठ ना बोले। ये जो जुमलों का जो पहाड़, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है जितनी भी परसेंटेज टर्नआउट हुई वोटर्स की, ये जो भाजपा का जो जुमले का झूठ का जो पहाड़ था, इन वोटरों ने दहा दिया और पूरी तरीके से ये लोग बैकफुट में हैं। मोदी जी के मुंह से आपने कभी भी गांव, गरीब, किसान की बात सुनी नहीं, गांव के बारे में तो बोलते ही नहीं। तो जब तक भारत की आत्मा गांव में बसती है, और इस बार के चुनाव में हम बार बार बोल रहे हैं मोदी मुद्दा नहीं है, मुद्दा स्थानीय मुद्दा है, हावी रहे और हावी है। और जो भी चुनाव हुए हैं फर्स्ट फेज के, वो स्थानीय मुद्दे को ही देखते हुए लोगों ने चुनाव में अपना बटन दबाया है और स्थानीय मुद्दे ही असल में मुद्दे होने चाहिए। क्योंकि बिहार जैसे प्रदेश, बिहार गरीब है और भी प्रदेश गरीब है, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या मोदी जी ने बताया, क्या रोड मैप है, क्या विजन है। उनका जो घोषणा पत्र आया, उस घोषणा पत्र में एक भी बात अगर बिहार के बारे में लिखी हो तो। लेकिन यहाँ आते हैं बोलते हैं कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, 14 में कुछ सुना था, 19 में कुछ सुना, 24 में कुछ और सुन रहे, ना 14 का काम हुआ बोला हुआ, ना 19 का बोला हुआ काम हुआ और ना ही 24 वाला पूरा होना। तो इसलिए हमने कई जुमलों का, झूठ का पहाड़ इस बार बिहार की जनता धारी। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कुछ बातें कही। वही तेजस्वी यादव आज रांची जाने वाले हैं, उसे लेकर भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि कल्पना सोरेन ने उन्हें रांची बुलाया है और
साफ तौर पर अब जो अलायंस दिखाई दे रहा है, देखिए एक तरफ अगर बात करें हेमंत सोरेन की तो उन्हें भी ईडी द्वारा अरेस्ट किया गया है और उसके बाद लगातार उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है वो राजनीति में एक्टिव हो गई हैं। ऐसे में आज तेजस्वी यादव रांची जाने वाले हैं, कल्पना सोरेन के साथ उनकी मुलाकात है। इस मामले पर भी तेजस्वी यादव ने कई बड़ी बातें बताई हैं। साथ ही जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से ये पूछा कि इस बार पहले चरण में वोट जो है वो काफी कम आए हैं, वोटर्स नहीं निकले, इस पर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि आपका अधिकार है, आपको बाहर निकलकर वोट जरूर करना चाहिए। उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया है वोटिंग को लेकर। और नीतीश कुमार को लेकर भी तेजस्वी यादव ने बड़ी बातें कह दी हैं। दश न्यूज पर फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया और बिहार झारखंड की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहे दश न्यूज के साथ। धन्यवाद।